राजधानी जयपुर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस राज सीएस आइकॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने शनिवार को दो दिवसीय इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए नामी हृदय रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं और हृदय रोग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके पहले दिन कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी और बायो रिसोर्स बेल स्टेंट एंजियोप्लास्टी का लाइव टेलीकास्ट किया गया। यह प्रोसीजर एसएमएस हॉस्पिटल की कैथ लैब में किए गए थे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कहा कि आने वाले समय में यह बिल लागू होकर रहेगा, जिससे प्रदेश के हर तबके तक स्वास्थ्य सेवाओं की आसानी से पहुंच हो और उन्हें सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया हो सके। इस मौके पर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर के मधोक और डॉक्टर एस आर मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमारे जयपुर में ऑल इंडिया के अच्छे डॉक्टर्स कार्डियोलॉजी के यहाँ आए, स्टूडेंट को भी वो टीचिंग देख करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। वैसे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निरोगी राजस्थान की कल्पना की है, फ्री इलाज, फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ, कितना ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कार्डियोलॉजी की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे कैंसर की हो, सारी दवाई सारा इलाज पूरा फ्री करके अभी हम राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। कल वो कुछ कारणों से विपक्ष से बात करने का उसको कुछ दिन के लिए और 15-20 अक्टूबर से पहले हम राइट टू हेल्थ बिल को लागू कर देंगे। बहुत बड़ा अधिकार प्रदेश के लोगों को मिलेगा। गरीब आदमी जो सोच नहीं सकता था जयपुर आने का, भी पैसा नहीं हो, इलाज कहाँ से कराए, उसको मरना ही पड़ता था, पर मुख्यमंत्री जी की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके बाद लोगों की आस बंधी है कि वो हमारा इलाज फ्री होगा, सरकार हमारा इलाज करेगी, बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को एक अधिकार मिल जाएगा कि उनको अधिकार पूर्वक कह सकेंगे हमारा इलाज करिए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना निश्चित रूप से 10 लाख तक का इलाज, दूसरे इलाज के लिए 20 लाख 15 लाख जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। इतना बड़ा मॉडल स्टेट, इतना बड़ा काम पूरे देश में किसी सरकार ने